हे गाइस, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके लिए वीडियो बनाने जा रहा हूँ कोडिंग डिकोडिंग के ऊपर। जैसे आप सभी लोग जानते हो कि कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक में से गवर्नमेंट एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाता है और काफी डिफिकल्टी होती है हमें इसे सॉल्व करने में। तो क्या करेंगे, देखिए इसके लिए मैं आज के डिफिकल्टी को ईजी बनाने के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। देखिए, आप सबसे पहले आप बात करोगे, आप जब कोडिंग डिकोडिंग आप सॉल्व करने जाते हो तो दिमाग में ये आता है कि किस तरह से हम अल्फाबेट के नंबर को ईजिली याद कर पाए। अगर वो अल्फाबेट के नंबर हमें याद हो जाए तो हम इजीली कुछ सॉल्व कर सकते हैं। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूं मैं, जिससे क्या होगा, हर एक अल्फाबेट के नंबर को आप इजीली याद कर पाओगे। साथ ही साथ रिवर्स ऑफ लेटर, मतलब ए के रिवर्स में कौन सा लेटर होगा, वो कैसे याद कर पाओगे बिना कोई डिफिकल्टी के, इसीलिए वीडियो बनाने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको जैसे पता होगा कि कोडिंग डिकोडिंग में अगर आपने अल्फाबेट के हर एक नंबर याद कर लिए तो कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो जाता है। तो इसीलिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूं, देखिए कि आप जिससे आप हर एक अल्फाबेट का नंबर आप इजीली याद कर पाओगे। तो ध्यान से सुनिए, अल्फाबेट जो है कितने लेटर होते हैं अल्फाबेट में, 26 लेटर होते हैं। 26 लिख देंगे, जाहिर सी बात है हमें हमारा दिमाग जो है एक और एक से आगे और एक के पीछे इतना तो याद रहता है हमें। तो एक काम करेंगे, देखिए यहां पर 26 है तो ये देखिए यहां पर 25 लिख देता हूं, ये तो याद रह जाएगा। ठीक है, अब कौन कौन सी चीज याद रहेगा वो हम लिख लेते हैं। देखिए, हमें ये याद रहेगा कि ए का हमेशा जो नंबर जो है 1 होगा, ये 2 होगा, 3 होगा और ये 4 होगा, इतना हमें याद रहता है। और असली प्रॉब्लम शुरू कहां होता है, यहां पर शुरू होता है, सारा कंफ्यूजन यहां पर शुरू होता है। ठीक है, तो इसी कंफ्यूजन को ईजी बनाने के लिए देखिए समझाना जा रहा हूं। देखिए, हर एक चीज को ध्यान से सुनना, खाली बस खाली, हर एक चीज लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। देखिए, अब देखिए ए ई, ई क्या होता है, देखिए ई फॉर इवनिंग, इवनिंग कब होता है, शाम कब होती है, 5 बजे शुरू होता है। तो हम एक काम करेंगे, ई फॉर इवनिंग और इवनिंग जो है वो 5 बजे होती है। ठीक है, ई फॉर इवनिंग और इवनिंग जो है 5 बजे होती है। अब देखिए ध्यान से, ये देखिए ये एफ, एफ मतलब क्या, देखिए एफ मतलब फिक्स, हमने ये फिक्स कर लिया, हमने ये फिक्स कर लिया। तो फिक्स 6, मतलब एफ आई एक्स, फिक्स, फिक्स जो है वो 6 में बदल जाएगा, 6, ये काम हो गया। अब देखिए हम आएंगे जी पे आएंगे, तो जी जो है आप कैसे याद रखोगे, ग्रुप ऑफ 7 कंट्री, उसे कहते हैं G7 कहते हैं। आप इस तरह से याद कर सकते हो, या फिर आप देखोगे अगर इसकी बनावट को देखोगे तो जी जो है, देखिए यहां पर देखिए ये जो बनावट दिख रहा है ये क्या है, 7 बताता है, मतलब ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, या फिर आप G7 को याद रख सकते हो। आगे देखते हैं हम लोग एच, देखते हैं एच, देखिए ध्यान से आप यहां पर डिजिटल फॉर्म में देखिए किस तरह से बन रहा है, देखिए ये 8 बन रहा है, तो यहां पे लिखेंगे हम लोग 8 लिखेंगे। ठीक है, और आई, आई फॉर क्या, देखिए इंडिया में ना बहुत से लोग ऐसे होते हैं उनको सब पता होता है, उनको सब पता होता है, कभी कुछ बोलोगे ना कि आपको ये पता है, हाँ हमें पता है, तो क्या बोलते हैं हम लोग, आई नो, आई नो, आई नो, आई नो मतलब क्या होगा, आई नो मतलब आई नो, मतलब आई नो। ठीक है, ये चीज याद कर लीजिए, एक कॉमेडी नहीं है, एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये याद रह जाए। ठीक है, अब देखिए जे, अब जे को देखोगे अगर तो जे जो बनावट जो है वो देखिए इस तरह से बनावट है, मतलब ये क्या है, ये हॉकी स्टिक है। तो हॉकी स्टिक कैसे रहेगा, बॉल भी चाहिए, तो हॉकी स्टिक के साथ बॉल लगा दिया मैंने, तो क्या बन गया, देखिए यहां पर 10 बन गया, ये काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए अब के, अब देखिए के फॉर क्या होता है, किंग होता है, और हमारे देश के राजा जो थे ना वो एक से बढ़कर एक थे, एक से बढ़कर एक मतलब क्या, देखिए के फॉर किंग और किंग मतलब राजा, एक से बढ़कर एक थे, मतलब 11 हो गया यहां पर। अब देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आ रहा है, देखिए एल आ रहा है, एल मतलब क्या है, देखिए एल मतलब होता है लव होता है, लव मतलब प्यार होता है, और प्यार जो भी करता है इंसान उसके क्या बच जाते हैं, 12 बच जाते हैं, 12 बच जाते हैं, मतलब देखिए आप लिखोगे एल फॉर लव और लव जो होता है तब 12 बच जाते हैं। क्लियर हो गया ये चीज, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एम, अब लव हो गया है तो गाने भी गाएंगे, गाना कौन सा गाएंगे, मैं तेरा हो गया, मैं तेरा होने लगा हूं, मैं तेरा, मैं तेरा मतलब देखिए मैं तेरा, मतलब एम जो है वो हो जाएगा 13, मैं 13, काम हो गया। अब देखिए ये चीज को और भी अलग वे में याद कर सकते हो आप, M जो है M फॉर मिडिल, मिडिल मतलब मध्य, मध्य भी याद कर सकते हो, मध्य मतलब M जो है वो बीच में है। देखिए टोटल लेटर कितने हैं, 26 है, अब M फॉर मिडिल मतलब क्या होगा, 13 होगा, तो आप 13 भी ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है, दोनों तरह से याद कर सकते हो, जो आपको आसान लगे, जो आपको ईजी लगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग,
अब देखिए यहाँ पर N, N मतलब क्या, देखिए यहाँ पर N फॉर होता है नवंबर होता है, और नवंबर में एक ही डेट अच्छे से याद रहता है हमें, वो है 14 नवंबर। 14 नवंबर मतलब चिल्ड्रन डे, तो आप लिखोगे यहाँ पर 14 नवंबर। अब ध्यान दीजिए O, अब N फॉर नवंबर बोला है तो बाजू वाला लेटर क्या होगा, O फॉर अक्टूबर होगा, और अक्टूबर में बहुत से डेट ऐसे सब आपको याद होगा, लेकिन एक डेट याद नहीं होगा जो आपको बताने जा रहा हूं मैं, 15 अक्टूबर। ये 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे बनाया जाता है, क्यों मनाया जाता, क्योंकि उस दिन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्मदिन है। तो आप लिखोगे O for October मतलब 15, ये क्लियर हो गया। अब देखिए P, अब P में एक स्टोरी सुनाने जा रहा हूं, बच्चों की स्टोरी है, देखिए हर एक बच्चे को सुनाया जाता है, दादा दादी सुनाया करते हैं कि देखिए P for Prince, 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन के साथ शादी करेगा। 16 साल का प्रिंस 17 साल की क्वीन के साथ शादी करेगा। अब शादी की बात तो हो गई, अब देखिए राइट है कि नहीं है, आर आ गया, आर मतलब क्या, राइट टू वोट। अब राइट टू वोट मतलब देखिए वोट देने का सही उम्र क्या है, 18 साल है, तो आप लिखोगे यहां पर राइट टू वोट मतलब यहां पर 18 आएगा। अब देखिए एस आ गया, अब देखिए एस को जो है मैं एस और टी दोनों एक साथ सिखा दूंगा, देखिए एस और टी में सिखाने जा रहा हूं, एस टी एस सी में या फिर एस सी एस टी में 19-20 का फर्क होता है, आपको पता होगा एस सी एस टी जो एक कैटेगरी है जिसमें 19-20 का फर्क होता है, तो ये हो गया 19, ये हो गया 20, ठीक है। अब देखिए इस टी को और एक चीज से याद कर सकते हो, T20 तो आपको याद रहेगा है आपको, ठीक है T20। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए अब देखिए ये यू है, यू थोड़ा अजीब लगेगा आपको, देखिए यू गिव मी अ किस, किस मतलब 21 मतलब हो जाता है 21, ये काम हो गया। अब देखिए यहाँ पर वी, वी मतलब क्या, देखिए वी मतलब होता है विक्ट्री होता है, जब भी विक्ट्री होता है फोटो खिंचवाते हो, ऐसे फोटो खिंचवाते हो, ऐसे फोटो खिंचवाते हो, तो ये क्या है, देखिए ये क्या है, दो उंगली निकालते हो आप, ये क्या हो गया, टू हो गया, तो दो उंगली निकाला, टू निकाला आपने, और विक्ट्री कैसी चाहिए, दो बार, बार बार, हजार बार, मतलब विक्ट्री जो है वो दूसरी बार भी चाहिए, तो लिखोगे आप 22 लिखोगे, ठीक है। अगर ऐसे याद नहीं रहता तो और एक चीज याद कर सकते हो आप, देखिए यहाँ पर किंग, के फॉर किंग, किंग जो थे इस देश के अंदर एक से बढ़कर एक थे, तो जीत भी तो दुगनी होगी, तो 11 का दुगना कितना होगा, 22 होगा, तो वी विक्ट्री, विक्ट्री जो होगा दुगनी होगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर एक से बढ़कर एक राजा थे, तो इस चीज से और भी क्लियर हो जाएगा आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, डब्लू बढ़ते हैं, अब डब्लू में देखिए वर्क, डब्लू मतलब वर्क होता है, और वर्क मतलब क्या होता है, काम होता है, इंसान को 24 घंटा काम नहीं करना चाहिए, एक घंटा आराम भी करना चाहिए, नहीं तो बीमार पड़ जाएगा वो, तो 24 घंटा काम नहीं करना है आपको, एक घंटा आराम करना है, तो आपको क्या करना है, 23 घंटे ही काम करना है। अब देखिए ये जो लेके आया आपके लिए उसमें तो आपको हंसी आ ही जाएगा, देखिए ये देखिए एक्स कैसे याद रखोगे, दो डंडा चार टिपका, दो डंडा चार टिपका, समझ में आया, दो डंडा चार टिपका हो गया 24, तो इससे आप हर एक चीज से याद कर पाओगे, ठीक है। तो ये तो आपको सिखा दिया मैंने किस तरह से आप याद कर पाओगे, तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ऑपोजिट अल्फाबेट ट्रिक सिखाने जा रहा हूं, क्योंकि देखिए कोडिंग डिकोडिंग के सम को अगर इजीली सॉल्व करना है तो दो चीज जानना बहुत जरूरी है, पहली चीज ये कि कैसे आप अल्फाबेट के नंबर को याद रखोगे, और एक चीज ये कि आप किस तरह से आप ये चीज याद रख पाओगे कि कौन से अल्फाबेट के ऑपोजिट में कौन सा अल्फाबेट आता है, ये चीज जानना बहुत जरूरी है। तो वही चीज सिखाने की कोशिश कर रहा हूं, देखिए आप यहां पर देखिए मैं लिखता हूं ए, और ए के ऑपोजिट में कौन सा लेटर आएगा, देखिए तो A to Z मतलब A के ऑपोजिट में क्या होगा, Z होगा। अब देखिए B के ऑपोजिट में क्या होता है, Y, boy, B के ऑपोजिट में क्या होता है, Y, तो boy हो गया, और boy मतलब बच्चा होता है, और बच्चा मतलब बच्चों को क्या पसंद है, क्रैक्स पसंद है, क्रैक्स खाना पसंद है, तो C और X लिख दिया मैंने। अब देखिए आगे बढ़ेंगे हम लोग, लिखेंगे D के ऑपोजिट में क्या होगा, तो D फॉर दूध होता है, और दूध वाला हमारे घर पे सुबह सुबह आ जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, D के बाद क्या आता है, E, आपको सिखाया था मैंने इससे पहले कि E मतलब क्या होता है, इवनिंग होता है, इवनिंग, तो EV मतलब E के ऑपोजिट में क्या होगा, V होगा, मतलब इवनिंग। अब देखिए F, देखिए आप याद कर सकते हो फू, एफ यू फू, ये वर्ड भी याद कर लीजिए, चाइनीज वर्ड लगता है लेकिन सुनने में मजा आ रहा है, अच्छा भी लग रहा है, फू फू, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर जी, अब देखिए जी के ऑपोजिट में जो है वो टी आता है, अब याद कैसे रखेंगे, जी टी मतलब होता है जीटी रोड, मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड, आपको पता होगा शेर शाह सूरी ने इसे बनाया था, तो जी टी मतलब ग्रैंड ट्रंक रोड, ठीक है। अब काम हो गया, अब देखिए रोड की बात हो गई, अब देखिए जी की बात क्या आएगा,
क्या आएगा, एच आएगा, मैं एच लिख दिया। अब एच के ऑपोजिट में क्या होगा, एच के ऑपोजिट में एस होगा। अब देखिए इसको कैसे याद रखोगे, देखिए आप H और S है तो हनी सिंह भी याद कर सकते हो, तो हनी सिंह याद रखोगे तो भूलोगे नहीं कि H के ऑपोजिट में क्या होता है, S आता है, हनी सिंह। आगे बात करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर I, I मतलब देखिए मैंने पहले से कहा था इंडिया, तो इंडिया से क्या करोगे, इंडियन, I फॉर इंडियन और इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे, तो आई के ऑपोजिट में क्या होता है, आर होता है, तो इंडियन रेलवे से इसको याद कर पाओगे। तो इंडियन रेलवे में अगर नौकरी लग गया तो क्या होगा, जयपुर की रानी के साथ शादी होगी भाई, जे और क्यू, जयपुर क्वीन, जयपुर की रानी के साथ शादी होगी, जयपुर की रानी के साथ शादी होगा तो क्या पहन के जाएंगे हम लोग, कुर्ता पैजामा पहन के जाएंगे, के फॉर कुर्ता और पी फॉर पैजामा, कुर्ता पैजामा पहन के जाएंगे, क्यों जाएंगे भाई, लव हो गया है तो एल ओ, एल ओ मतलब क्या होगा, लव हो गया। अब लव हो गया तो एक चीज तो याद होगा, मैं हूं ना, शाहरुख खान की मूवी तो देखा होगा आपने, तो एम के ऑपोजिट में क्या होता है, एन होता है, मैं हूं ना। तो इस चीज से आप हर एक चीज याद कर सकते हो, हर एक चीज फिर से समझा देता हूं मैं, देखिए यहां पर ए टू जेड हो गया, अब देखें यहाँ पर बॉय हो गया, और बॉय को क्या पसंद है, क्रैक्स पसंद है, ठीक है। अब घर में सुबह सुबह कौन आता है, दूध वाला आ जाता है, दूध वाला काम हो गया, इवनिंग फू चाइनीज वर्ड आपको सिखा दिया था। अब देखें यहाँ पर जीटी रोड, और यहाँ पर हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, फिर कुर्ता पैजामा, लव, और लास्ट में जो है मैं होना, ठीक है। तो ये मैं होना से अब यहाँ पे खत्म करते हैं हम लोग, तो आप भी होना, मैं भी होना। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताइए, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना भूलें, और ये भी बता देता हूँ मैं इसका जो पार्ट टू जो होगा, पार्ट टू में मैं इसके रिलेटेड सम्स कराऊंगा आपको। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।